जी सलाम अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट्स। ये कंट्रीब्यूशंस हम लाइट या आई या विजन के हवाले से पढ़ेंगे। अब इन फील्ड्स में दो मुसलमान साइंसदान ऐसे हैं जिनकी कंट्रीब्यूशंस बहुत ज्यादा हैं। एक है अली इब्न ईसा और दूसरे हैं इब्न हिशम। तो उन दोनों की कंट्रीब्यूशंस क्या हैं आई के हवाले से, इमेज फॉर्मेशन के हवाले से, इन सब चीजों के हवाले से हम बात करेंगे आज। अब इसमें जो हमारे पास पहले साइंसदान हैं जिनका हम जिक्र करने वाले हैं वो हैं जी अली इब्न ईसा साहब। ये ऊपर वाले साहब जो हैं ये अली इब्न ईसा हैं। इनकी सबसे जो बड़ी कंट्रीब्यूशन है मेरा बेटा इन द फील्ड ऑफ लाइट और इन द फील्ड ऑफ इमेज फॉर्मेशन और साइट वो है जनाब कि इन्होंने अली इब्न ईसा ने ये 950 में पैदा हुए। ये भी आपको याद रखनी चाहिए चीजें। इनके जो लाइफ स्पैन होते हैं समटाइम्स एग्जामिनर पूछ लेता होता है, यूजली नहीं पूछता होता, समटाइम्स वो पूछ लेता होता है। सो यू पीपल नीड टू रिमेंबर दैट एज वेल। अच्छा जी, इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है मेरा बेटा कि इन्होंने लिखी थी 3 किताबें जनाब। सो ही रोट 3 बुक्स और उन 3 किताबों में, ये तीनों की तीनों किताबें इंटरेस्टिंगली ऑप्थमोलॉजी पे थी। ये जो ऑप्थमोलॉजी है इसके बारे में बेटा मेरा बच्चा हम कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ diseases and surgery of eye। मेरा बच्चा बायो की वो ब्रांच जिसमें हम आंख की बीमारियों और उसकी सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं उसको हम ऑप्थमोलॉजी कहते हैं। अच्छा, इन्होंने ऑप्थमोलॉजी पे बुनियादी तौर पर 3 किताबें लिखी थी अली इब्न ईसा साहब ने, और उन 3 किताबों में इन्होंने कुछ बीमारियों का भी बताया और कुछ बीमारियों का इलाज भी बताया। सो ही टॉक्ड अबाउट 130 डिजीजेस। अब उस दौर में देखिए आज से 1000 साल पहले इन्होंने कुछ तकरीबन 130 बीमारियों के बारे में बताया जो सारी की सारी आंख से मुतालिक थी। एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट 143 ड्रग्स और तकरीबन 143 ड्रग्स के बारे में भी इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की अपनी उन 3 किताबों में। तो ये थे अली इब्न ईसा। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास जो दूसरे मुसलमान साइंसदान हैं जिनकी इस फील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो हैं जी इब्न अल हिशम। इब्न अल हिशम इनका उर्दू में नाम है और अंग्रेजी में इनको इब्न अल हिथम भी कहते हैं। सो ये दोनों नाम इनके पुकारे जाते हैं जी, इब्न अल हिशम भी और इब्न अल हिथम भी। ये जो इब्न अल हिशम साहब हैं इनकी तो कंट्रीब्यूशन मेरा बच्चा ऐसे समझिए कि बहुत ही ज्यादा है। ये नीचे वाले साहब जो हैं ये इब्न अल हिशम हैं। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ऑप्टिक्स। इनको ना बेटा फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं। अब ऑप्टिक्स भी बुनियादी तौर पर ऑप्थमोलॉजी की तरह एक ब्रांच ही है और ऑप्टिक्स के बारे में हम कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट। लाइट का जो बिहेवियर है मेरा बेटा उसकी स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो इन्होंने इस हवाले से काम किया था। इनकी एक किताब है दैट इज वेरी फेमस एंड दैट बुक इज बुक ऑफ ऑप्टिक्स। इस बुक ऑफ ऑप्टिक्स में इन्होंने अपने जमाने से आगे की बातें की ऐसे समझिए। इनकी ये जो किताब थी ये कई सौ सालों तक यूरोप में एज अ करिकुलम पढ़ाई जाती रही। इतना रिच कॉन्टेंट और इतनी ज्यादा डिटेल में डेप्थ में इन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया था। चार पांच चीजों की बात करते हैं जी जो इन्होंने जिन पे इनका काम है। इन्होंने प्रोसेस ऑफ साइट जो है कि कोई चीज हमें दिखाई कैसे देती है उसके हवाले से काम किया। इन्होंने इमेज फॉर्मेशन, आंख में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है उस हवाले से इनका काम था जी। इसके अलावा इनका काम था पिन होल कैमरा के हवाले से। तो ये 3-4 चीजें हैं दैट यू पीपल नीड टू रिमेंबर अबाउट इब्न अल हिशम। इन्होंने प्रोसेस ऑफ साइट के बारे में बताया, इन्होंने बेटा इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताया इब्न अल हिशम साहब ने, और इन्होंने पिन होल कैमरा के बारे में बताया इन हिज बुक बुक ऑफ ऑप्टिक्स। दैट वाज वन ऑफ द वेरी बेस्ट बुक्स इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स। आज के लेक्चर में हमने इन दो असहाब की कंट्रीब्यूशंस पढ़ी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।